हेलो फ्रेंड्स, अनु मिस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान से जो सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस का जो फॉर्म आया हुआ है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरीके से हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है www.sarkarijobfind.com। दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है वो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म। तो जितनी भी लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म निकली हुई होती है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं RSMSSB टेक्स्ट असिस्टेंस ऑनलाइन फॉर्म, इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये राजस्थान से सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस के लिए निकला हुआ है, यानी कि RSMSSB इसका पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों, इसके इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है वो 19 अप्रैल को है, यानी कि ये फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है, 19 अप्रैल से भरा जाना स्टार्ट होगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2018 को है। और जो है लास्ट डेट फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2018 तक ही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। यहाँ पे कोई फिक्स डेट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगस्त में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 फीस है, और OBC के लिए 350 फीस है। उसके बाद SC ST और PH के लिए 250 फीस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू पे करना है। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसके टोटल पोस्ट देख लेते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है वो 162 है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम पोस्ट देख लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट है टैक्स असिस्टेंस नॉन ट्राइबल एरिया, इसमें जो है जनरल के लिए 73 सीट, OBC के लिए 30, SC के लिए 22 और ST के लिए 22 और EBC के लिए 1, और टोटल जो है वो 148 सीट है। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंस ट्राइबल एरिया, इसमें जो है जनरल के लिए 8, OBC के लिए 0, SC के लिए भी 0 और ST के लिए 6 सीट है, EBC के लिए भी 0 है, और टोटल जो है वो 14 सीट है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग भी है। तो हिंदी और इंग्लिश 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, और इसके आगे आप देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है लिंक एक्टिव ऑन 19 अप्रैल 2018, यानी कि अभी ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फॉर्म जो है 19 तारीख से भरा जाना स्टार्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर, आप उस पर क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी नोटिफिकेशन जाननी है तो यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरीके से न्यू वैकेंसी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप टेक्निकल वीडियो भी देखना चाहते हैं, मोबाइल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको वहाँ पर ये सारी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।